हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सीए इंटर के अंदर नवंबर 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए किस तरीके से देखिए पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके से रहने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए जो आपके पेपर में आ रहे हैं क्या उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है या नहीं तो इस तरीके कुछ के कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे और आईसीआई की देखिए जो वेबसाइट है वहां से देखिए हमने ये ऑथेंटिकेटेड डेटा निकाला है वहां पर सारी चीजें पब्लिश की गई थी तो उसी पीडीएफ को देखते हुए हम सारी चीजों को समझेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आई ये देखते हैं तो देखिए ये रही हमारी वो पीडीएफ करनी है तो हमारे देख सकते हैं तो देखिए आपका जो पेपर है आपके छह पेपर हो चुके हैं जिसके अंदर देखिए आपके ग्रुप वन के अंदर तीन पेपर है एडवांस अकाउंटिंग लॉ और टैक्सेशन और टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का ग्रुप टू की बात करूं तो आपका कॉस्टिंग ऑडिट एंड एथिक्स और इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जहां पर दोनों ही परसेंट है तो ये आपके देखिए वो छह पेपर रहने वाले हैं और इनके अंदर सर आपका देखिए सेवेंटी थर्टी की रेशियो में एमसीक्यू आने वाले हैं तो यही बात देखिए यहां पर बता दी गई है और क्या इनके रिस्पेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है तो देखिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली यहां पर कहा है कि 30% परसेंट एमसीक्यू ट आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और नेगेटिव मार्किंग की जो बात देखिए बार बार आ रही थी क्लियरली देखिए लिखा गया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी सर अगर आप इंटर एग्जाम दे रहे हैं तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करके आइए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बिना इस डर के कि सर हमारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कटने वाले कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है देखिए सेवेंटी और थर्टी की रेशो है और जो बच्चे एग्जामिशन के लिए देखे जाते हैं क्योंकि आप बिना एग्जामेशन देखिए ग्रुप क्लियर कर ले, ऐसे chances बहुत रेयरली होते हैं तो आपको एग्जामिशन जरूर लानी होगी तो वहां पर अगर आप देखिए थर्टी में से 20 से 25 मार्क्स भी यहां पर स्कोर कर लेते हैं तो आपको टोटल 60 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जामिशन के लिए तो इसके बाद देखिए आपको 40 नंबर ही सिर्फ लाने होंगे एग्जामिशन स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है अगर आप एम को इग्नोर कर दें तो आपके पास देखिए सत्तर मार्क्स हैं और इस सत्तर में से फिर आपको साठ लाने होंगे जो कि एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है ठीक है आपको सीधा सीधा देखिए नाइन्टी परसेंट यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको ठीक करना पड़ेगा तो एम को इग्नोर बिल्कुल मत करिए अच्छे से करके जाइए बिना किसी डर के और अगर कोई एम क्वेश्चन नहीं आता है तो अपनी समझ से एग्जाम के अंदर देखिए आप उसके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को और अगर सही हुआ तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है देखिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है इंडिविजुअली देखिए आपको 40 परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर और एग्रीगेट बेसिस पर दोनों ही ग्रुप के अंदर देखिए आपका 50 परसेंट देखिए जो है एग्रीगेट बनना चाहिए तभी आप एग्जाम को जो है वो पास कर पाएंगे क्लियर कर पाएंगे अगर सभी देखिए आपके पेपर में 40 40 40 परसेंट आए हैं लेकिन एग्रीगेट 50 परसेंट से कम है तो आप पास नहीं होंगे तो ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40 परसेंट मार्क्स हैं और ओवरऑल ग्रुप के अंदर 50 परसेंट मार्क्स लेकर आने हैं इसके साथ साथ अगर सपोज कोई बच्चा दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है तो वहां पर देखिए आपके पास छह नंबर के टोटल पेपर होते हैं जिसमें थ्री मार्क्स का ग्रुप वन और 300 का ग्रुप टू है तो पास होने के लिए 50 परसेंट की जो बात की जाती है उसके हिसाब से देखिए 150 150 मार्क्स आपको दोनों जगह लाने हैं लेकिन अब क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं और सपोज आपके ग्रुप वन के अंदर तीनों ही पेपर में 40, 40, 40 आते हैं तो यहां पर आप इंडिविजुअली तो पास हो गए लेकिन एग्रीगेट बेसिस पर देखिए आपका जो मार्क्स है वो 30 नंबर कम रह गए और सपोज अगर आपने ग्रुप टू में यहां पर 180 नंबर स्कोर कर लिए तो यहां पर पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए थे, तो ये जो 30 नंबर है आपके एक्स्ट्रा वो यहां पर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे और आपके बोर्ड ग्रुप क्लियर हो जाएंगे लेकिन यह चीज तभी होगी जब आप दोनों ग्रुप एक साथ दो एक एक करके दे रहे हो तो दोनों ग्रुप के अंदर आपको देखिए 50 50 परसेंट जो है वो स्कोर करना होगा एग्रीगेट बेसिस पर इंडिविजुअल बेसिस पर 40 परसेंट आपको देखिए लेकर आना है हर सब्जेक्ट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एमसी की क्वेश्चन तो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा तो मिलते हैं एक और अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू सो मच